आज हर कोई ये चाहता है कि उसके चेहरे पे ग्लो हो, अब चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चेहरे पे ग्लो लाने के कुछ घरेलू तरीके बताता हूँ। सबसे पहले है स्टीम, यानी कि भाप लेना। गाइस, जब आप 5 से 6 मिनट के लिए दिन में भाप लेते हैं तो वो आपके स्किन के अंदर जो पोरसेस में गंदगी फंसी होती है उसे बाहर निकाल देता है और आपकी स्किन को फ्रेश बना देता है। दूसरा है गुलाब जल, यानी कि रोज वाटर। गाइस, गुलाब जल यानी कि रोज वाटर आपकी डल स्किन को भी फ्रेश कर देता है। अब इसे आप फेस पैक में डाल के भी यूज कर सकते हो और डायरेक्टली भी आप इसे छिड़क सकते हो अपने चेहरे पे और गंदगी साफ कर सकते हो। और तीसरा है कॉफी बीन्स या कॉफी का पाउडर। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉफी का पाउडर लेना है और उसमें कच्चा दूध मिलाना है और फिर उस मिक्सचर से अपने चेहरे को स्क्रब करें 5 से 6 मिनट के लिए। गाइस, आपका चेहरा एकदम ग्लो करने लगेगा। ये घरेलू तरीके आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, ये तो आप जानते हैं कि रुपया इंडिया की करेंसी है, डॉलर यूएस की और युआन चीन की। लेकिन 2009 में एक ऐसी करेंसी आई जिस पे किसी भी देश का कोई हक नहीं था। वो एक वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी थी जिसका नाम है बिटकॉइन। 2009 में बिटकॉइन नया नया था तो लोग उसे इकट्ठा करने में लग गए। ये बात है 22 मई 2010 की, जब फ्लोरिडा के एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन की पेमेंट करके 2 पिज्जा मंगवाए थे। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी ने वर्चुअल करेंसी की पेमेंट करके कोई चीज मंगवाई हो। तब 2010 में 10,000 बिटकॉइन की कीमत मात्र $41 थी, लेकिन आज 11 साल बाद 10,000 बिटकॉइन की कीमत सुनके आप लोगों के होश फाकता हो जाएंगे। उसकी कीमत है लगभग $500 मिलियन, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए। गाइस, ऐसी अमेजिंग टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आजकल के लोग शुगर फ्री के चक्कर में हेल्थ कॉन्शियस होकर मिठाइयों को अवॉइड करते हैं, ठीक भी बात है। लेकिन कुछ मिठाइयाँ आपकी सेहत के लिए हेल्दी और फायदेमंद होती हैं। कौन सी हैं वो मिठाइयाँ? जैसे कि रसगुल्ला या छेने की मिठाइयाँ। जी हाँ गाइज, रसगुल्ला या छेने की मिठाइयाँ आपकी आंखों की जलन को कम करती हैं, इनफैक्ट आपकी आंखों के पीलेपन को कम करती हैं और उन्हें सुरक्षित बनाए रखती हैं। क्या इसके पहले तक रसगुल्ला या छेने की मिठाइयों की ये विशेषता आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी सांप को चीखते या चिल्लाते देखा है? शायद कभी नहीं देखा होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे तेलंगाना के करीमनगर जिले के रामाडुग्गू इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक सांप चीखता और चिल्लाता दिखाई दे रहा है। पर क्या ये वीडियो सच है? अब इसी का पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो मामला गड़बड़ाते देख वहां के एक शख्स ने सरेंडर कर दिया और कहा कि उसने ये वीडियो एक ऐप से डाउनलोड किया था और फिर उसके बाद अपनी आवाज देके उसे एडिट किया, लोगों के साथ शेयर किया और झूठी कहानी भी बनाई। उसके बाद ही पुलिस ने उसे पकड़ा, उसकी काउंसलिंग की और अगली बार ऐसा करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। अगर आप भी ऐसा कोई फेक वीडियो बनाने का सोच रहे हैं तो प्लीज इससे बचिए, क्योंकि बेवजह आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। गाइस, इसके पहले तक ये बात आपको पता थी और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, आज तक हमने जासूस और जासूसी की कहानियां तो बहुत सुनी है। देखिए, फिल्मों की बात अलग है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने रियल लाइफ में कोई फीमेल डिटेक्टिव का नाम सुना है या फिर उसे देखा है? चलिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया की पहली फीमेल डिटेक्टिव के बारे में बताता हूं। उनका नाम है रजनी पंडित। मुंबई की रहने वाली ये फीमेल डिटेक्टिव अभी तक 80,000 से ज्यादा केसेस को सोल्व कर चुकी हैं। उन्हें बचपन से ही स्पाई नोवेल पढ़ने का बड़ा शौक था, इसलिए वो डिटेक्टिव बनना चाहती थी। लेकिन हर बार उन्हें ये कहा जाता था कि ये जॉब महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन उनकी माँ का उन्हें बहुत सपोर्ट था, इसी वजह से उन्होंने केसेस लेना शुरू किया, उन्हें सोल्व करना शुरू किया और देखते ही देखते 1991 में उन्होंने अपना डिटेक्टिव ऑफिस मुंबई में खोल लिया। गाइज, उन्हें इंडियाज फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का भी खिताब मिल चुका है। आपको रजनी पंडित के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट्स के अलावा अब प्राइवेट लोगों के लिए भी खुल चुका है। और अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके स्पेस के नजारों का मजा लूटना चाहते हैं तो आपको $55 मिलियन यानी कि 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें आप 8 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह सकते हैं। गाइज,
पहली यात्रा जनवरी 2022 में स्पेसएक्स के रॉकेट के थ्रू प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को करवाई जाएगी, जिसमें 3 लोग कनाडा के मार्क पेथी, अमेरिका के लैरी कॉर्नर और इजराइल के ईथन स्टेबे नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट माइकल लोपेज की अगुवाई में जाने वाले हैं और ये तीनों वेल्दी एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर हैं। गाइस, क्या आप भी स्पेस स्टेशन जाके स्पेस का नजारा लेना चाहते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।